हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज हमारी विनर बैच की क्लास नंबर 7th है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन का 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जो मार्च 2023 में एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिल्कुल ही मैं आपको रिसेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो एनटीए पूछ रहा है डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो विनर बैच है दिस इज फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम, बट स्पेसिफिकली यूजीसी नेट जेआरएफ को इस हम स्पेशली इस यहाँ पर टारगेट लेके चल रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, और गाइस अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से आप सर्च करोगे तो मैं आ जाऊंगा उस, वहां पे आप फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली मैं बता दूं कि मैं क्यों बोलता हूँ, बिकॉज कई बार क्या होता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना करके इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाता हूँ, तो उस केस में मैं किसी सोशल मीडिया का यूज करते हुए आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, वहाँ पर अपडेट दे देता हूँ। सो मेक श्योर आप इन हैंडल्स को जरूर फॉलो करें ताकि आप अप टू डेट रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए तो आप मिस ना करें। और गाइस कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के लिए, कंप्लीट विनर बैच ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आप यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप आईओएस यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स पर देखने को मिल जाएगा। और बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, 100% सिलेक्शन होगा अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। ये टाइम टेबल क्या है इसका, मैंने इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही यूजीसी नेट एग्जाम में तुक्का कैसे लगाया जाए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो ऐसे में तुक्का लगा के भी दो चार क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, साइंटिफिक वे होता है तुक्का लगाने का। तो अगर आपने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे हम, और मैं आज टेबल चार्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ बिकॉज एनटी ज्यादातर टेबल चार्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, 2023 में यही क्वेश्चन पूछा गया तो मैं वही करवा रहा हूँ। तो टेबल देखो, टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में वो टेबल चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बहुत सारे हो सकते हैं, बट टेबल चार्ट हमारा मेन टारगेट रहेगा बिकॉज एग्जाम में ज्यादातर टेबल चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और ये जो चीजें हैं, एवरेज क्या होता है, रेशियो क्या होता है, ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, टोटल करना कैसे होता है, ये सब कुछ ऑलरेडी मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब मैं क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग पढ़ेंगे, और इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो या इस वीडियो को रोक सकते हो यहाँ पर, देन उसके बाद आप इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करके बताएंगे। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बिकॉज मैं कराऊंगा, अच्छी बात है आप समझ जाओगे, लेकिन जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, निकालो जल्दी से फटाफट कॉपी पेन, वीडियो को पॉज करो, कॉपी पेन लेकर के आओ, और इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करना है आपको, फिर देखो कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हो। तो गाइज मैंने ट्राई किया इंग्लिश हिंदी दोनों में करने का, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो गिवन है इस तरीके से कुछ। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल एथलीट्स हु पार्टिसिपेटेड इन एन एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट फ्रॉम द फाइव डिफरेंट कंट्रीज ए टू ई ओवर द ईयर्स 2016 टू 2021। 2016 से लेकर के 2021 तक पांच कंट्री हैं, ए बी सी डी ई, इस तरीके से इन्होंने कंट्री दी हुई है, और यहाँ पर मेल और फीमेल का आपको यहाँ पर डेटा गिवन है, मतलब कंट्री ए के अंदर मेल फीमेल यहाँ पर है, कंट्री बी के अंदर मेल फीमेल, फिर कंट्री सी के अंदर मेल फीमेल, कंट्री डी के अंदर मेल फीमेल एंड कंट्री ई के अंदर मेल फीमेल। अब देखो गाइस, डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन होता है वो 50% क्वेश्चन आप एक झटके में सॉल्व कर सकते हो। पूछो वो कैसे, वो ऐसे कि आपको सबसे पहले डेटा को समझना है कि डेटा में गिवन क्या है। कई बार क्या होता है हमें समझ नहीं आता डेटा, हम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर वन निकालो करना चालू कर देते हैं, बस वही गलती करते हो। पहले क्वेश्चन को एग्जैक्ट समझ लो कि डेटा किस तरीके से गिवन है, डेटा में क्या कुछ बोला गया है, किस तरीके से डेटा को बाइफरकेट किया गया है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लेना कि 50% क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2016 से 2021 तक पांच अलग अलग देशों के ए से ई तक वार्षिक खेल आयोजन में भाग करने वाले पुरुष और महिला का ये कंप्लीट वितरण दिया हुआ है, और डेटा के आधार पर आपको आंसर करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो क्वेश्चन है वो समझ में आ चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं और आप सभी लोग आंसर करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एथलीट फ्रॉम कंट्री सी वॉज द सेकेंड हाईएस्ट, क्या बोला जा रहा है, हाईएस्ट नहीं बोला जा रहा, सेकेंड हाईएस्ट बोला जा रहा है, कि कौन से ईयर में था। दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो बोला जा रहा है कि देश जो देश हमारा है सी में, सी से पुरुष और महिला एथलीटों की संख्या के बीच का अंतर किस वर्ष में दूसरा सबसे बड़ा रहा है। तो स्पेसिफिकली कंट्री सी की बात की जा रही है और मेल फीमेल के डिफरेंस की बात की जा रही है, तो हम कंट्री सी में आ गए
और मेल यहाँ पर गिवन है, फीमेल यहाँ पर गिवन है, तो इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कॉपी पेन उठाओ, इनके बीच का डिफरेंस निकालो फटाफट से। जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ये कुछ निकल के आएगा, यहाँ का डिफरेंस जो निकल के आएगा वो आएगा 70, इसका जो डिफरेंस है वो निकल के आएगा आपका 180, ठीक है 180 हो गया ये वाला। देन इसके बाद 240 140 का डिफरेंस हो जाएगा 100, 100 हो जाएगा। फिर 330 और 210 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 120, है ना, आई थिंक 120 ही होगा। नेक्स्ट आपका 390 315 का डिफरेंस हो जाएगा, आई थिंक 75। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या गिवन है, 540 345, इसका डिफरेंस हो जाएगा 195। अब आपने डिफरेंस निकाल लिया सभी का, अब आपको बताना है सेकंड हाईएस्ट। सेकंड हाईएस्ट का मतलब जो दूसरे नंबर पे बड़ी वैल्यू है। तो पहले नंबर पे बड़ी वैल्यू 195 हो गई और सेकंड नंबर पे हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 180, दैट इज ऑप्शन नंबर ये जो गया ना 180। सो देखते हैं 180 जो है वो कौन सी ईयर में है, तो ये है आपका 2017। 2017 में सेकंड हाईएस्ट बोला जा रहा है, तो 2017 में जो है सेकंड हाईएस्ट एथलीट थे, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, आई होप सभी का यही आंसर निकल के आया होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, 2016 17 18 19 20 21, इस तरीके से सभी का आपको डिफरेंस निकालना है। जब हमने डिफरेंस निकाला तो देखा कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू 195 है, सेकंड हाईएस्ट 180, दैट इज 2017। 2017 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एथलीट हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कंट्री बी ओवर द ईयर्स टुगेदर वॉज, पिछले कुछ कुछ वर्षों में देश बी से भाग लेने वाली महिला एथलीटों की औसत संख्या क्या है। सिंपल एवरेज बताना है आपको, सिंपल तरीके से एवरेज निकालना है, लेकिन एवरेज निकालना किसका है, कई बार बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं कि एवरेज निकालना किसका है, स्पेसिफिकली कंट्री बी का एवरेज निकालना है, किसका एवरेज निकालना है, केवल फीमेल एथलीट्स का। ठीक है, ओवर टुगेदर जितने भी सालों में गेम खेला गया है, कंट्री बी में जाना है, फीमेल का हमें एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, सीधा जाओ कंट्री बी में, कंट्री बी था ना, कंट्री बी, और निकालना है हमें फीमेल का। तो कंट्री बी हमें देखा, यहाँ पर कंट्री बी है, कंट्री मेंशन है ना यहाँ पर कंट्री, और केवल फीमेल का बताना है, मतलब इस वाले डेटा का आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, और ऐड करने के बाद कितने से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 से कर देना है हमें डिवाइड। तो इन सबको करेंगे ऐड, डिवाइड कर देंगे 6 से, यू विल गेट द राइट आंसर। जल्दी से निकालो फटाफट से, वीडियो को पॉज करके बताओ कि कितना आंसर आएगा इसका। जो ये कंट्री है बी, इसके ओनली फीमेल कैंडिडेट का बताना है। तो यहाँ पर जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, दैट इज सम ऑफ आइटम डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम, हिंदी में बात करें तो राशियों का योग डिवाइड बाय राशियों की संख्या। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें सम करना है सभी आइटम्स का, तो हमने फीमेल एथलीट का कंट्री बी से सभी का सम कर दिया, सभी को ऐड कर दिया, तो ये आ गया 1800। और उसके बाद नंबर ऑफ आइटम मतलब कितने ईयर्स हैं, तो टोटल 6 ईयर्स हैं, तो 6 से कर देंगे डिवाइड, तो 6 3 जाए कितना होता है 18, 300 आ गया निकल, है ना। सो 300 विल बी द राइट आंसर। आई होप सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पर जो है सही आंसर निकल के आया होगा। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। और सो गाइस अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ना, आप लोग वीडियोज को शेयर नहीं करते यार, वीडियोज को शेयर कर दिया करो भाई, जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो उस ग्रुप में शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट की उनके साथ शेयर करो इन वीडियोज को, उनका भी फायदा हो। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर किया करो। इन क्लासेस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, पीपीटीज वगैरह क्रिएट करने में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मेल एथलीट हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कंट्री सी इन द ईयर 2018 एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर वॉज, क्या बोला जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018 में देश सी से भाग लेने वाले पुरुष एथलीटों की संख्या में अनुमानित प्रतिशत कमी थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन, देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज़ है कि घबराना नहीं है कि अरे यार ये क्या पूछ लिया हमसे, तो समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जब कभी ऐसा हो कि समझ में ना आए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आराम से तसल्ली से बिल्कुल ठंडे दिमाग से दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना है। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताना है, पहली बात तो क्या बताना है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताना है, मतलब कैलकुलेशन करना ईजी होगा, और क्यों होगा मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताना है, परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मेल एथलीट, किसकी बात की जा रही है, मेल एथलीट की बात की जा रही है, हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कंट्री सी, स्पेसिफिकली कंट्री सी की बात की जा रही होगी 2018 में एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो अब क्या करना है हमें, कंट्री सी के मेल में जाना है 2018, कंट्री सी के मेल एथलीट में जाना है, वो भी 2018 वाले डेटा में, उसको कंपेयर करना है हमें प्रीवियस वाले से।
प्रीवियस ईयर वाले से, ठीक है। तो चलते हैं कंट्री सी 2018 मेल, कंट्री सी 2018 मेल, कंट्री सी 2018। और यहाँ पर भी क्या करना है हमें, केवल मेल वाले डेटा को लेना है, मतलब 240, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि कंपेयर्ड विथ प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल में 345 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कंट्री सी से मेल कैंडिडेट ने, लेकिन इस साल 2018 में केवल 240 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो कितने परसेंटेज से डिक्रीज हुआ, यही पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस निकालना होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज या पूछा जाए, तो सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस कितना होगा, 345, और माइनस कर देना है आपको इसमें से क्या माइनस करना है, 240 माइनस कर देना है, तो 105 हो जाएगा डिफरेंस, 105। और डिवाइड करना, याद रखना हमेशा प्रीवियस ईयर वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है जब भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालना होता है। तो प्रीवियस ईयर की वैल्यू कितनी है, 345 है प्रीवियस ईयर की वैल्यू, है ना, क्योंकि करंट ईयर तो 240 है ना, पिछले साल का 345 मल्टीप्लाई बाय 100, बस इतना सा सॉल्व कर दोगे आपका आंसर निकल के आ गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पहले डिवाइड कर लो, चलो 5 से डिवाइड करो, 5 कितना होगा, 5 6 30, 5 9 45, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, 5 2 10 और 5 1 5, तो ऊपर कितना हो गया 21, नीचे 69 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 21 को मैं 20 लिख सकता हूँ, 69 को मैं 70 लिख सकता हूँ, और 100 को 100 रहने दिया। अभी ये मैंने 21 को 20 क्यों लिखा और 69 को 70 क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया था कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है, मतलब लगभग में बताना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी। तो हम लगभग में आंसर निकालेंगे, देखेंगे उसके आसपास की वैल्यू जो होगी दैट विल बी द राइट आंसर। तो 0 से 0 कट गया, अब ऊपर बचा 200, और डिवाइड कर दो 7 से, 7 से करना है डिवाइड, तो 7 4 जा कितना होता है, 7 4 जा 28 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मतलब 7 3 जा, 7 3 जा 21, ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो 7 2 जा ही करना पड़ेगा हमें, है ना, तो 7 2 जा 14, भाई 14 हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या बचेगा 0, ऊपर से 0 तारीख 60 हो गया, तो 7 8 जा 56 हो गया, बचेगा यहाँ पर 4 लगेगा पॉइंट, यहाँ बचेगा 0, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 4 जा 28 7, और 7 5 जा 35, मतलब 28 आ गया, 28.5 निकल के आ रहा है। अब हम देखेंगे 28.5 का मतलब कि 29 ही हो गया लगभग, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, है ना। आप देखो कि इसका आंसर जो है 30 के आसपास कहीं पर है क्या, देखो हमारा आंसर था जो था वो 28.5 निकल के आ रहा था, मतलब ये जो है 30 के आसपास की वैल्यू है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर ये तो 25 के पास भी तो है, लेकिन 25 के पास से देखोगे तो ये मतलब 25 प्लस 3.5 करोगे तब आएगा, और 28 में सिर्फ और सिर्फ 1.5 प्लस कर दोगे तो आपका 30 आ जाएगा, तो 1.5 छोटा है ना, मतलब अप्रोक्सीमेट जो है 30 के आसपास की वैल्यू है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपने टाइम बचाने के लिए, नहीं तो क्या होगा, आप एग्जैक्ट वैल्यू अगर डिवाइड करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, और वहां पर कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है, तो ऐसे में आपको टाइम ही टाइम लगेगा, टाइम से बचना है आपको, तो इस तरीके से यहाँ पर करना है। लेकिन याद रखना ये तभी करना जब यहाँ पर लिखा हो क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट लिखा हो, अगर ये नहीं लिखा है तो फिर तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू बतानी पड़ेगी कि एग्जैक्ट क्या आंसर निकलेगा, वो भी पॉइंट के साथ, फिर तो एग्जैक्ट डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट, इसका मतलब भी क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया है, और अब हम उसमें एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए गाइस यहाँ पर देखो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी गिवन, आप चाहो तो उसको रोक करके यहाँ पे समझ सकते हो। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द नंबर ऑफ फीमेल एथलीट हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कंट्री ई इन द ईयर 2020 वॉज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एथलीट हु पार्टिसिपेट फ्रॉम द कंट्री बी इन द ईयर 2019। वर्ष 2020 में देश ई से लगभग से भाग लेने वाली महिला एथलीटों की संख्या, वर्ष 2019 में देश बी से भाग लेने वाले एथलीटों की कुल संख्या का कितना परसेंट थी, तो ये आपको आंसर करना है। क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार और पढ़ो आराम से तसल्ली से, लेकिन पढ़ो और आंसर करो, खुद से ट्राई करो क्वेश्चन करने का, देखिए कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। देखो गाइस मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, क्वेश्चन में था द नंबर ऑफ फीमेल एथलीट हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कंट्री ई इन द ईयर 2020, मतलब केवल कंट्री ई की बात की जा रही है, वो भी केवल फीमेल कैंडिडेट की 2020 में, ठीक है। वॉज व्हाट परसेंट, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि व्हाट परसेंट पूछ लिया कि कितने परसेंट होता है, तो कंट्री ई मतलब इस परसेंटेज, इस वाले परसेंटेज वाले साइन से पहले जो होता है उसको रखते हैं हम ऊपर उस वैल्यू को,
और इसके बाद जो भी वैल्यू आती है उसको रखते हैं हम लोग नीचे, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से एंड यू विल गेट द आंसर। ये सिंपल सा बेसिक सा एक मैं बता रहा हूँ आपको करने का तरीका। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें पूछा जाए व्हाट परसेंट करके, तो समझ जाना कि बहुत इजी क्वेश्चन है। परसेंटेज से पहले जो गिवन है उसकी वैल्यू ऊपर रखनी है, परसेंटेज के बाद जो गिवन है उसकी वैल्यू नीचे रखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू विल गेट द आंसर। अब इस क्वेश्चन में हमारा जो करने का तरीका होगा वो यही होगा जिस तरीके से यहाँ पे हम अभी मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ एथलीट की बात की जा रही है जो कि कंट्री बी में है 2019 में, तो इनकी वैल्यू को हमें रखना है। मैंने क्या बोला कि पहले हमें क्या करना है, कंट्री ई से फीमेल कैंडिडेट को लेना है 2020 में। तो कंट्री ई से फीमेल कैंडिडेट को लेना है, वो भी 2020 में, 2020 ये रहा। तो चलो भाई देखो देखते हैं कितना है, 460 है। ठीक है, तो 460 जो है, 460 हमें लेना है ऊपर, ऊपर की वैल्यू मिल गई। अब हमें नीचे की वैल्यू निकालनी है और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से एंड यू विल गेट द आंसर। तो देखते हैं नीचे की वैल्यू कहाँ से और कैसे निकलेगी। नीचे की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो परसेंटेज के बाद लिखा है वो नीचे की वैल्यू देगा हमें। तो परसेंटेज के बाद क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम कंट्री बी इन द ईयर 2019। 2019 में कंट्री बी से टोटल नंबर बताने में एथलीट के। तो चलिए कंट्री बी में चलते हैं 2019 वाले डेटा में। कंट्री बी 2019, कंट्री बी ये रहा और 2019 वाला डेटा यहाँ पर है। तो क्या करना है हमें, 570 और 420 को कर देना है हमें ऐड। तो ये हो जाएगा 0 और 7 और 2 कितना होता है 9। ठीक है, और 5 और 4 9, 990। ऊपर की वैल्यू कितनी है, ऊपर की वैल्यू 460, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ऊपर की वैल्यू 460 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 100 से कर देना है मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। देखो कितना इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो यहाँ पर ऊपर जो है 0 से 0 कट गया, ऊपर क्या है 46 है, नीचे कितना है 99। तो मैं 99 को क्या मैं 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैंने 99 को 100 लिख दिया और यहाँ मल्टीप्लाई में ऑलरेडी 100 चल रहा है ये वाला, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा केवल 46। तो जो भी वैल्यू 46 के आसपास होगी, आसपास में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने 99 को 100 लिख दिया, इस वजह से मुझे लगभग वैल्यू मिलेगी कि 46 के आसपास की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माई आंसर। तो यहाँ पर चलेंगे हम, देखेंगे कि 46 के आसपास की वैल्यू कौन सी है। तो मैंने देखा भाई 46 के आसपास वैल्यू नहीं बल्कि 46 ही दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो अगर आप क्वेश्चन को 99 से डिवाइड करने बैठोगे ना, 46 को डिवाइड करने बैठोगे 99 से, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो क्वेश्चन करते करते बहुत टाइम निकल जाएगा, क्वेश्चन आंसर वही आना है, आंसर तो ऑप्शन डी ही आना है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो किस तरीके से हम कैलकुलेशन को इजी बना सकते हैं। इस तरीके से करोगे, 100 इसको मान लिया, 100 से 100 कट गया, 46 आ गया, खत्म। मतलब विद इन सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा, समझ लो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है एग्जाम में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे इसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, आप चाहते हो इसको रोक करके वीडियो को पॉज करके इसको समझ सकते हो और खुद से भी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, इन द ईयर 2017 द टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट वॉज द सेकेंड हाईएस्ट फ्रॉम द कंट्री। क्या बोला जा रहा है कि वर्ष 2017 में इस आयोजन में भाग लेने वाले एथलीटों की कुल संख्या देश से दूसरी सबसे अधिक थी। तो गाइस देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 2017 की बात की जा रही है, ओनली स्पेसिफिकली 2017 में जाना है आपको। और क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ एथलीट्स देखने हैं कि भाई किस 2017 के अंदर अंदर किस किस कंट्री में कितने कितने एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हमें सेकंड हाईएस्ट बताना है कि सेकंड हाईएस्ट जो है वो कौन सी कंट्री से था, तो हमें कंट्री बताने की कौन सी कंट्री थी। तो चलिए गाइस देख लेते हैं फटाफट से, 2017 की बात की जा रही है, मतलब 2017 यहाँ पर है। अब कंट्री ए बी सी डी ऐसे टोटल 5 कंट्री हमारे पास, इन सबको टोटल करेंगे। कंट्री ए का टोटल कैसे निकलेगा, 330 प्लस 210। फिर कंट्री बी का टोटल करेंगे 420 310। फिर कंट्री सी का करेंगे 345 165। फिर कंट्री डी का करेंगे 420 315। कंट्री ई का करेंगे 390 260। इन सब का अगर आप टोटल करोगे, मतलब इन सबका नहीं करना, ऐसे ऐसे करना है कि ए का यहाँ पर, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, इस तरीके से यहाँ पर सभी वैल्यू लिख लेनी है। और इन सभी वैल्यूज में जो सेकंड हाईएस्ट होगा दैट विल बी योर आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि सेकंड हाईएस्ट बताना है ना। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कितना इजी क्वेश्चन है, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड हाईएस्ट होगा, देखो हाईएस्ट जो वैल्यू है वो है, वो आ रही 735, और सेकंड हाईएस्ट होगी कंट्री बी, दैट इज 730, 730 आ रहा है ना कंट्री बी का। सो 730 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा, कंट्री बी, कंट्री बी मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप लोगों को लेक्चर कैसे लगते हैं, आप लोग कमेंट करके बताया करो, अपना फीडबैक दिया करो भाई। आप लोग फीडबैक नहीं देते हो, कमेंट करके बताओ कि आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं, कि आपको समझ में आ रहा है जो समझाया जा रहा है, लेक्चर्स में पढ़ाने का तरीका कैसा है, इंग्लिश हिंदी करके पढ़ाएं या फिर ओनली ओनली इंग्लिश इंग्लिश करके पढ़ाएं,
जो भी आपको लगता है आप कमेंट करके बताया करो क्लास आपको कैसी लगती है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताओ कि क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। अब देखो गाइस, अगर आप इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको आज पढ़ा रहा था, इस तरीके से आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो पेपर वन कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस को कंप्लीट इसी तरीके से हमने बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से चीजों को पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हम एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना सिखाते हैं, मतलब एग्जाम टारगेट बेस्ड स्टडी करवाते हैं हम आपको। कंप्लीट जो वीडियो लेक्चर्स होंगे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होंगे। एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीजों को हमने कवर किया हुआ है। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको सभी कोर्सेज में प्रैक्टिस करने के लिए। पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिविजन भी कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटोर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईओएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।